तो यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जो समय को रोक सकता था और समय को रोकने के बाद लड़कियों के कपड़े उतारकर उनके ड्राइंग बनाया करता था। तो दोस्तों, यह है कैशबैक मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें बैन को दिखाया जाता है, और बैन एक आर्टिस्ट होता है और अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाया करता है। बैन ड्राइंग बनाने के लिए एक आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ पर एक न्यूड बूढ़ा आकर सामने खड़ा हो जाता है और कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी ड्राइंग बनाने लगते हैं। लेकिन बैन को हमेशा से ही लड़कियों की ड्राइंग बनाना अच्छा लगता था, इसलिए अब वो लड़के की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन टीचर उसे उस बूढ़ा आदमी का ही ड्राइंग बनाने बोलता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बैन का हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हो जाता है। सूजी ने गुस्से में आकर बैन पर सारी चीज़ें फेंकने लगती है और इसी वजह से उसे चोट भी लगती है। पर ब्रेकअप की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था और कई रातों से वो सो नहीं पाया था। इस वजह से उसे इंसोमिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें लोग रातों को सो नहीं पाते हैं। पर बैन एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम सेरेन होता है। सेरेन इसी मार्केट में कैश काउंटर पर काम करती है। इसके बाद बैन का सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर वो अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा खरूस होता है, उसे हमेशा डांटते रहता है। बैन को इसी सुपरमार्केट में दो लोग और मिलते हैं जो कि काफ़ी हरामी टाइप होते हैं। इनका नाम मैट और बैनी होता है। मैट और बैनी फीमेल कस्टमर को सामान में ट्रॉली में कई बार एडल्ट टॉयज रख देते हैं और कैश काउंटर पर पहुंचने पर ये लोग उन्हें घूर कर देखते थे कि कौन सी लड़की इस टॉयज को खरीदती है। लेकिन कई बार ये लड़कियां इन टॉयज को खरीद भी लेती थी। फिर कुछ दिन बाद सेरेन की नाइट शिफ्ट होती है। बैन और सेरेन में बातें चल रही होती है कि धीरे धीरे इन लोगों में प्यार होने लगता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को यह बात नहीं बताता क्योंकि वो दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि बैन सुपरमार्केट में है और वो काम करने की वजह से काफ़ी बोर हो जाता है। अब यहाँ पर बैन अपनी अलग तरह की इमेजिनेशन करने लगता है और वो सोच कर ही टाइम को फ्रीज कर देता है, और इस टाइम फ्रीजिंग के बाद वो कुछ भी कर सकता था। बैन टाइम को फ्रीज करके लड़कियों की अलग अलग ड्राइंग्स बनाता था, वो भी लड़कियों के कपड़े हटाकर। बैन फीमेल बॉडी से इतना अट्रैक्टिव क्यों था, इसके पीछे भी एक कहानी होती है। अब यहाँ पर बैन की बचपन की एक कहानी दिखाई जाती है। बैन जब छोटा था उसके घर में किरायेदार लड़की रहती है, जो कि नहाने के बाद वो बैन के सामने से बिना कपड़ों के ही जाया करती थी। इसमें एक कहानी और भी दिखाई जाती है, जहाँ पर बैन और उसका दोस्त पैसे देकर एक बड़ी लड़की से मिलने जाते थे जिसका नाम नेटली होता है, और नेटली पैसे लेकर वो अपने प्राइवेट पार दिखाया करती थी। और एक दिन बैन और उसके दोस्त हद ही पार कर देते हैं। उसके दोस्त के पेरेंट की एल्बम देख रहे होते हैं, जिसमें उनकी काफ़ी प्राइवेट तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो लोग कुछ गलत हरकत करते हैं और ये बातें उनकी माँ को पता चल जाती है और उनको वो डांटती है। लेकिन वो उसी समय देखती है उनका खड़ा हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। सुपरमार्केट के बॉस की एक फुटबॉल टीम होती है और इसमें बैन भी शामिल होता है। ये लोग काफ़ी अच्छा खेलते थे, लेकिन फिर भी ये कुछ बुरी तरीके से घर हार जाते हैं। जब फुटबॉल बॉस के फेस पर लगती है, तब उसी समय वो टाइम फ्रीज कर देता है और वो ड्रेस रूम की तरफ जाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तब बैन देखता है कि टाइम फ्रीज होने के बाद भी उसके अलावा कोई और हिल सकता था। बैन उसकी शक्ल नहीं देख पाता, लेकिन वो समझ जाता है टाइम फ्रीज होने के बाद भी कई लोग हिल सकते हैं। इसके बाद बैन बाहर आकर फिर से टाइम अनफ्रीज कर देता है और देखता है कि फुटबॉल से चोट लगने के बाद उसके बॉस के फेस से काफ़ी खून बह रहा होता है, और इस गेम को देखने सेरेन भी आती है। इसके बाद जब बैन सेरेन को उसे घर छोड़ने जाता है, तब इन दोनों में प्यार हो जाता है और फिर डेट कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद बैन के बॉस का बर्थडे आता है और वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और उसमें सुपरमार्केट के सभी लोग को बुलाते हैं
और यहाँ पर उनके पर्सनल दोस्त भी इनवाइटेड होते हैं। पार्टी से पहले मैट और बैरी बेन को कॉल करते हैं और वो बेन से कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी के मालिक हैं और उसके एक पेंटिंग भी देखना चाहते हैं, और पेंटिंग दिखाने के लिए वो एक गैलरी का एड्रेस भी देते हैं। बेन ये सारी बातें सेरेन को बताता है और उसके बाद पार्टी में जाने के लिए सब तैयार होते हैं। बेन और सेरेन कपल बनकर पार्टी में जाते हैं और पार्टी में बेन देखता है कि वहाँ चीयर गर्ल्स भी हैं जिसके अंदर नेटली भी होती है। नेटली वही है जो पैसे लेकर अपना अंग दिखाया करती थी। नेटली यहाँ पर सबके सामने बिना कपड़ों की डांस कर रही होती है। इसके बाद पार्टी काफी बढ़िया माहौल बन जाता है। इस पार्टी में बेन की एक गर्लफ्रेंड सूजी भी आती है जो कि वह बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड बन जाती है। सूजी यहाँ पर माफी मांगती है और बेन को समझाने की काफी कोशिश करती है। बेन को समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या चल रहा है और वो फिर सूजी को धक्का दे देता है, लेकिन सेरेन ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और वह घर जाने लगती है। बेन सारी चीज़ें देखकर टाइम को रोक देता है। बेन टाइम को रिवर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन वो सोचता है उसके पास जो टाइम है वो उसी के इंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे सेरेन की पेंटिंग बनाता है और अगले दिन उससे जाके माफ़ी मांगता है। लेकिन वो गुस्से में काफ़ी कुछ बोल देती है और गेट बंद कर लेती है। अगले दिन वो सुपरमार्केट में जाता है तो सेरेन उसे नहीं मिलती है, उसने वो काम छोड़ दिया था। बेन काफ़ी कोशिश करता है सेरेन से बात करने की, लेकिन वह बात नहीं करती थी। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे आर्ट गैलरी में जाना था। पेंटिंग लेकर वो आर्ट गैलरी पहुंच जाता है और उसके मालिक से कहता है आपने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन मालिक ने उसे मना कर दिया। बेन के काफ़ी समझाने के बाद आर्ट गैलरी का मालिक उसकी पेंटिंग देखने को कहता है। आर्ट गैलरी का मालिक काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उसकी ड्राइंग देखकर और एग्जीबिशन में उसे मौका देता है उसकी ड्राइंग का लगाने का, और इसी एग्जीबिशन के लिए बेन सेरेन को भी इनविटेशन भेजता है। आपने कलाकारी और ड्राइंग की वजह से उसे एक अच्छे जॉब की ऑफर मिलता है। जब सेरेन यहाँ पर आती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ जितनी भी पेंटिंग हो सेरेन के ही होती है और वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। बेन ने सारी ड्राइंग टाइम को रोकने के बाद बनाई थी। सेरेन ये ड्राइंग देखकर समझ जाती है बेन उसे कितना प्यार करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे किस करते हैं और उसी वक्त बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन इस टाइम के अंदर सेरेन भी हिल सकती थी। इसके बाद ये दोनों आर्ट गैलरी से बाहर चल जाते हैं और बाहर आने पर ये लोग देखते हैं वो बर्फ गिर रही होती है और वो भी रुक जाती है। ये दोनों लोग इसे देखकर एंजॉय करते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों असल में पूरी मूवी बेन की इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। वो इतने दिनों से नहीं सोया था इसीलिए अलग अलग ख्याल आ रहे थे और वो इसी वजह से टाइम को रोककर अलग अलग काम कर रहा था। तो दोस्तों आपको यह कैशबैक मूवी कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हॉलीवुड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए ANP मूवी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।